30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, टू व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स, साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 03192233822। जो पुलिस का लगातार अभियान चलता रहता है नशा के लिए, नशा मुक्ति को लेके और शराब को लेके, तो उसी दौरान कैंबलवे एरिया में जब हमारी पुलिस रेड पार्टी थी जो इधर उधर सर्च कर रही थी, उसी दौरान उनको बीकरी बीच पे करीबन संदिग्ध पैकेट्स मिले, करीबन 42 पैकेट्स थे, तो एक लिफाफे में बंद मिले, तो उसमें हमारी टीम गई, उसको चेक किया तो उसमें मिला कि उसमें कुछ ड्रग्स जैसा सब्सटेंस है। हमने चेक भी किया, उसमें सस्पेक्टेड हीरोइन है। उसमें फर्दर हमने सैंपल वगैरह लिए हैं और उसको टेस्ट के लिए भेजा हुआ है हमने FSL में। उसमें वजन है उसमें करीबन उसका 16 kg है और बाकी की कार्रवाई चली गई है। अभी तक ऐसा हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि कोई कैंबल बे में ही कोई इससे संबंधित है। अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं ये पानी से बह के आया हुआ है, बाकी स्टिल हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें। थैंक यू सर। एक सवाल है सर, जैसा जो हमारे कर सकते तो सर यहाँ पर नहीं, तो चार्ज में सर आप तो आप ये इसकी मार्केट वैल्यू क्या है और इसमें कोई मार्केट वैल्यू अभी तक हमें जो देखा है, हमने सर्च किया है उससे ये पता है, क्योंकि यहाँ तो ये इसका यूज़ नहीं लगता है हमें। तो जो भी हमने देखा वो इंटरनेशनल मार्केट से रेट देखा है, तो उससे करीबन 50 करोड़ की कुछ अमाउंट का अभी तक हमें पता चला है कि 50 करोड़ हो सकता है। नहीं, अभी तक इसमें कोई हमें ऐसा एविडेंस नहीं आया है कि किसी का कैंबल बे निवासी या किसी और बाहर वाले का किसी का हाथ होने का संभावना नज़र नहीं आई हमें। फिर भी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही कुछ आगे कुछ डेवलपमेंट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। सर, अंडमान निकोबार पुलिस की ऑफिशियल कराइटी से ट्वीट भी हुआ है कि उस का जो नाम है हीरोइन, मतलब जो आप लोगों ने कैप्टन द्वारा जो है टेस्ट किया उसके बाद निकल गया सर। फर्स्ट टाइम जो हीरोइन यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में जो एक ड्रग जो है यहाँ पर पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं सर इसको कोई ना कोई मतलब व्यक्ति द्वारा जो है इसको यहाँ पर लाया गया या ये पानी से बैठ कर है। नहीं, व्यक्ति द्वारा लाने का अभी तक हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। अभी तक तो हम यही मान के चल रहे हैं पानी से बह के आया हुआ है। जैसे उसकी कवर वगैरह था, जिस ढंग से उसको टेप वगैरह से प्लास्टिक कवर से बांधा हुआ था, तो उससे लग रहा है कि पानी से बह के आया होगा ये। और बाकी अभी छानबीन जारी है, तो अगर कोई भी हमारा ऐसा कोई सबूत नहीं लगे कोई हमारे यहाँ का आदमी या कोई इन्वॉल्व है या कोई बाहर का आदमी इन्वॉल्व है, तो उस पर ज़रूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।